यमन की दूरी इसराइल से करीब 2000 किलोमीटर है, लेकिन उसके बावजूद भी यमन के हुती ने इसराइल और अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। हुती लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर में लगातार इसराइल और अमेरिकी जहाजों को निशाना बना रहा है। इसके अलावा हुती के ड्रोन और मिसाइल अब सीधे तेलअवीव पर गिर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अब हुती ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। और हुती की इस धमकी को किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल हुती का कहना है कि अगर अमेरिका ने यमन के ऊपर हमला करने की जरूरत की तो वो उसका हाल वियतनाम युद्ध जैसा करेगा। दरअसल हुती का कहना है कि यमन के अल होदेदा बंदरगाह पर अमेरिका की आक्रमण करने की योजना का खुलासा हुआ है, और हकीकत में अगर अमेरिका ऐसा करता है तो उसका अंजाम वियतनाम युद्ध से भी भयानक होगा, जिसमें हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि अमेरिका को ये धमकी यमन की नेशनल साल्वेशन सरकार के विदेश मंत्री जमाल अहमद अली आमिर ने दी है। उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने कथित योजना के बारे में जानकारी लीक करना शुरू कर दी है, जिससे वो यमन के ऊपर इजरायली टारगेट्स के खिलाफ हमला करने से रोकने के लिए दबाव डालना चाहते हैं। अमेरिका को जब एहसास हुआ कि यमन को नुकसान पहुंचाने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, तब उसने यमन पर हमले की जानकारी लीक करना शुरू कर दिया। हुती के नेता ने आगे कहा कि अगर अमेरिका ने जल्दबाजी में यमन पर हमला करने का दुस्साहस किया तो वियतनाम का नर्क एक पार्क में टहलने के जैसा होगा। स्वतंत्र लोग घुटने नहीं टेकते और अमेरिका सरकार अल्लाह द्वारा भेजा गया शासक नहीं है। आपको बता दें कि हुती की यह धमकी ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर हुती के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं। इन हमलों के बावजूद हुती दबने का नाम नहीं ले रहा। और तो और अमेरिका और ब्रिटेन ने हाल ही में यमन के भीतर हुती के ठिकानों पर 15 बार हमले किए। वहीं अमेरिकी सेना ने तो हुती को रोकने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भी तैनात कर दिया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद हुती रुक नहीं रहा, बल्कि अब उसने अमेरिका को वियतनाम युद्ध की याद दिलाई है। आपको बता दें कि वियतनाम युद्ध 1 नवंबर 1955 को शुरू हुआ था और करीब 20 साल बाद 30 अप्रैल 1975 को यह युद्ध खत्म हुआ, और इस युद्ध में करीब 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी।